बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामुअलैकम। आज मेरी वीडियो का मौजू है कि कबूतरों को जो गर्मी और तलही के लिए जो कबूतर तलह हो जाते हैं, तलही करते हैं, उनके लिए जो है ना मैं आज आपके लिए वीडियो एक लेके आया हूँ। एक बड़ा ही अच्छा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ जो देसी नुस्खा है, बिल्कुल ही आसान और सस्ता, और कबूतरों को इससे आगे मुकाबलों का मौसम आ रहा है, टूर्नामेंट का मौसम आ रहा है, गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है। तो ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है ना तो कबूतर जो होते हैं वो तलही करते हैं। आप कबूतरों को जब उड़ाते हैं तो कबूतर 10-15 मिनट या आधा घंटा उड़ के जब आते हैं तो वो चोंच खोल के ना ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, तलही करते हैं। वो कबूतर तलह हो जाते हैं, वो चोंच खोल के सांस लेते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं चोंच खोल के, तो जल्दी बैठ जाते हैं कबूतर। आप कहते हैं कबूतर हैं भी अच्छे और बड़ी जल्दी बैठ गए हैं और चोंच खोल के ये तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, तो कबूतर जो है ना, कबूतरों के वजूद में गर्मी और तलही, वो तलह हो जाते हैं। उनकी गर्मी और तलही दूर करने के लिए आपको मैं आज एक बिल्कुल ही आसान और सस्ता देसी नुस्खा बताने लगा हूँ। मेरे बाद दोस्तों ने मुझे फ़ोन किए हैं कि आप कोई छोटे मोटे जो है ना, ज़्यादातर आप इम्पोर्टेड मेडिसिन ही बताते हैं, तो कोई छोटे मोटे, तो ये जो छोटे मोटे देसी नुस्खा जात आपको मैं बताता हूँ ना, ये आजमूदा और 100% होते हैं जो अच्छे, वो मैं आपको बताता हूँ जो कि जिस चीज़ के लिए हैं उस चीज़ पर काम करें। तो कबूतरों की गर्मी तलही दूर करने के लिए मेरे भाई आपने क्या करना है, पंसार स्टोर से लेना है त्रिफला। त्रिफला जो है ना, त्रिफला 3 चीज़ों के मरकब को त्रिफला कहते हैं। तो ये हिकमत में जो है ना, हिकमत की ज़बान में 3 चीज़ों को मरकब को कहते हैं त्रिफला। ये 3 चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 चीज़ें होती हैं, ये है हड़ड़ जिसको पंजाबी में रीढ़ कहते हैं, हड़ड़, और ये आंवला, ये आंवले हैं जनाब, और ये हैं जनाब बेड़े, ये मेरा भाई बेड़े। तो आपने ये पंसारी से जाके कहेंगे ना कि त्रिफला दे दें, ये तीनों चीज़ें आपको वो दे देगा, आंवले और बेड़े और हड़ड़ जिसको पंजाबी में हरीड़ कहते हैं। ये तीनों चीज़ें त्रिफला बोलेंगे तो वो पंसार स्टोर से आपको वो ये तीनों चीज़ें दे देगा। यहाँ लहदा भी आप लेना चाहें तो ये तीनों चीज़ों का नाम है बेड़े, आंवला और हड़ड़। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है, ये त्रिफला ले लेना है। और त्रिफले का इसका तरीक़ाकार कबूतरों को ये पानी आपने बनाना है जिससे कबूतरों की गर्मी और तलही दूर हो जाएगी और कबूतरों का हाजमा भी दुरुस्त रहेगा और कबूतर जो हैं वो आपके जो दाना कम खाते हैं वो दाना भी ज़्यादा खाएंगे और कबूतर आपके फिट रहेंगे। तो कबूतर जो आपके उड़ के आएंगे ना, घंटा आधा घंटा उड़ के आके बैठ के फिर वो सांस लेते हैं चोंच खोल के, तो वो फिर फ्रेश रहेंगे आपके कबूतर, वो तलही ख़त्म हो जाएगी, कबूतरों की गर्मी और तलही ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये इसको, ये वो आंवला है, ये एक अदद आपने ये लेना है, इसको आपने तोड़ लेना है, इसको तोड़ लेना है, इसका ऊपर वाला जो छिलका है ना ये, और ये जो हरीड़ है इसको भी आपने, इसका इसकी जो गुठली है ना, इसकी भी गुठली आपने निकाल देनी है, इसकी भी गुठली निकाल देनी है आपने, तो इसको भी आपने तोड़ लेना है और इसकी गुठली निकाल देनी है, इसका छिलका आपने ले लेना है। और 2-3 दाने ये जो है ना, ये बेड़े जो हैं इनके 2-3 दाने आपने ले लेने हैं, 1-1 दाना ये ले, ये 50 कबूतरों के लिए है। और रात को आपने 1 गिलास पानी में, अगर आपको कोरा बर्तन मिल जाए, कोरा गिलास मिल जाए या प्याला मिल जाए, तो उसमें आपने आधा लीटर पानी डालना है और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो त्रिफला है ये आपने डालना है। तो इसको रात को आपने भिगो देना है, सुबह इसके पानी के अंदर हाथ से इसको मलना है, माल के, तो फिर ने आपने इसको चाय वाली पूनी से या मलमल के कपड़े से पानी जो है इसको आपने पुन छान लेना है। पुन छान करने के बाद आपने ये पानी जो जब दाना डालना है ना अपने कबूतरों को, तो आपने जितने आपके कबूतर अगर 2 लीटर या 3 लीटर पानी पीते हैं तो उसमें ये आपने पानी ऐड कर लेना है, मिक्स कर लेना है तो दाना डालने के बाद ये वाला पानी आपने पिलाना है कबूतरों को हफ्ते में 2 दफ़ा। तो 3 दफ़ा भी पिला सकते हैं, 2 दफ़ा भी पिला सकते हैं। जब तेज़ गर्मी हो तो आपके कबूतर जो है ना वो तलह नहीं होंगे, तलही महसूस नहीं करेंगे, गर्मी भी नहीं महसूस करेंगे। तो आपके कबूतर बिल्कुल शाश पिशाश रहेंगे और उनका जो पोट है वो भी सही चलेगी, आज़मा भी दुरुस्त रहेगा। तो मेरे भाई ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है। ये तो हमारे लिए जिसको पीला जिरकान होता है ना, पीले जिरकान में भी ये वाला पानी पिलाएंगे ना तो पीला जिरकान भी इससे सही हो जाएगा। थोड़ा इसमें शहद डालिए पानी इस तरह बना के ना, तो इसमें सुबह नहार मुँह इसके अंदर थोड़ा शहद डाल के पीने से पीला जिरकान जो है ना वो ठीक हो जाता है। तो मेरे भाई ये कबूतरों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो आप ये इस तरह पानी बनाएं त्रिफले का और कबूतरों की गर्मी तलही इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो दाना डालने के टाइम ये डालें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपकी दुआओं का तलबगार मलक सकलैन। खुदा हाफिज़।